स्वागत है आप सभी का आज एक कोचिंग क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ मैथ सॉल्यूशन चैप्टर टू बहुपद एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन है। आपको बताना है कि किस बहुपद के जो चार बहुपद दिए हुए इनमें किसका गुणनखंड एक्स प्लस वन है। तो इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, हम इसका डिवाइड इसमें कर दें, x प्लस वन का डिवाइड इस बहुपद में कर दें। यदि हमें शेषफल जीरो मिल जाता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, यदि जीरो प्राप्त नहीं होता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है गुणनखंड प्रमेय द्वारा। अब गुणनखंड प्रमेय द्वारा कैसे किया जाता है, चलिए करते हैं फिर समझते हैं। बाकी आप करना चाहें तो डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग गुणनखंड प्रमेय द्वारा ही करेंगे। तो पहले जो हमारा दिया है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारा पहले का पहला पार्ट है, ठीक है। अब गुणनखंड प्रमेय द्वारा करना है तो यहां लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा। अब गुणनखंड प्रमेय द्वारा क्या होता है, चलिए देखिए। यहां पर एक्स प्लस वन जिसको कहता है कि इसके गुणनखंड है या नहीं, तो उसको हम जीरो बराबर रख देते हैं, रख दिया। और उससे हम चर की वैल्यू निकाल देते हैं, जो भी चर वहां से होता है एक्स हो या वाई हो, वहां से हम चर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये प्लस में होता चला जाएगा माइनस पे, तो एक्स बराबर निकल के आ गया माइनस वन। अब यदि हम एक्स बराबर माइनस वन, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस वन इस बहुपद में रख दें और इसका मान जीरो प्राप्त होता है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि x प्लस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। कब, जब x बराबर माइनस वन रखेंगे और इसका मान पूरा जीरो हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर, लिख देंगे तो x बराबर माइनस वन बहुपद x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन में रखेंगे, हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ पर आपको एक्स दिखता है वहाँ पर आप माइनस वन रखेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस वन का हम क्यूब कर देंगे, इस पे देखिए माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद माइनस वन है और प्लस पे वन है, ठीक है। अब माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन मिलेगा, चलिए देखते हैं कैसे। माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, अब क्यूब का मतलब क्या होता है, इसी को तीन बार करके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस, और वन वन जा वन, वन वन जा वन, तो यहाँ से हमें वन मिल गया माइनस का, तो माइनस का वन हो गया। अब यदि माइनस का हम स्क्वायर करें तो माइनस का वन इंटू माइनस का वन करेंगे तो हमें वन मिल जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस का हमेशा प्लस होता है, तो प्लस का वन मिल गया हमें। यहाँ देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लाई, आ जाएगा वन, और ये हमारे पास प्लस का वन है। अब देखिए माइनस का वन है, ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, ये प्लस का वन है, कट जाएंगे तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमको यहाँ से समझ में आ गया कि जो एक्स प्लस वन होगा वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, हाँ एक्स प्लस वन बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड समझ में आई है, तरीका क्या था, जो भी इसका गुणनखंड दिया है उसको हम जीरो बराबर रख देंगे और उससे हम चर की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी चर की वैल्यू निकलेगी दिए गए बहुपद में उसके लिए रख देते हैं, और यदि उसका मान जीरो आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि जो गुणनखंड दिया है बहुपद का एक गुणनखंड होगा। कितनी बात समझ में आ गई, तो चलिए आप देखते हैं पार्ट नंबर टू। एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा करेंगे इसको, लिख देंगे यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो एक्स प्लस वन को हम जीरो बराबर रख देंगे, यही तरीका होता है गुणनखंड प्रमेय द्वारा। बाकी वो तरीका आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो जाए डिवाइड करने में, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा माइनस वन। अब ये जो वैल्यू है हम इस बहुपद में रख देंगे, तो रख देंगे यहाँ पर
एक्स बराबर माइनस वन बहुपद एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में रखने पर। चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए एक्स की पावर फोर है मतलब माइनस वन की पावर फोर हो जाएगा प्लस माइनस वन की पावर हो जाएगा थ्री प्लस माइनस वन की पावर हो जाएगा स्क्वायर पे प्लस माइनस वन और प्लस पे वन। ठीक है, एक बात समझ लीजिए आप लोग, यदि माइनस की पावर सम होती है तो जो भी वैल्यू हमें आगे प्राप्त होगी वो हमेशा प्लस में प्राप्त होगी। यदि माइनस की पावर विषम है, विषम होगी तो हमेशा माइनस की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए माइनस की पावर क्या है, एक सम संख्या है इसलिए यहाँ पर वन। अब यहाँ पर देखिए माइनस की जो पावर है विषम है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और उस माइनस का हो जाएगा प्लस में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस का वन। अब यहाँ पर देखिए माइनस की पावर है सम, और सम में क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का वन, प्लस माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस वन, और यहाँ पर प्लस का वन पहले से था। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या बचा यहाँ पर वन बचा, बचना क्या चाहिए जीरो बचना चाहिए। किस कंडीशन में, जब एक्स प्लस वन गुणनखंड होता एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। फिलहाल यहाँ पर गुणनखंड तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो हमें नहीं मिला है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस वन बहुपद एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस गुणनखंड प्रमेय द्वारा करेंगे इसको हम, गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा करेंगे तो एक्स प्लस वन बराबर होगा जीरो के, तो एक्स बराबर निकल के आ जाएगा माइनस वन। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे इस बहुपद में, लिख देंगे एक्स बराबर माइनस वन बहुपद एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में रखने पर, रखने पर। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर करेंगे माइनस का वन की पावर फोर प्लस थ्री इंटू, यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंटू साइन होता है, और माइनस वन की पावर हो जाएगा क्यूब प्लस थ्री, और ये हो जाएगा माइनस का वन इसका इंटू आप यहाँ लगा सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा माइनस का वन और प्लस पे वन। फिर चलिए कैलकुलेशन करते हैं, तो ये पावर ऊपर फोर लगी हुई मतलब सम संख्या है, तो मैं वन ऐसे ही निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस थ्री इंटू, यदि इसका हम करेंगे तीन बार मल्टीप्लाई मतलब पावर क्या है विषम है ना, तो माइनस वन हमें मिल जाएगा डायरेक्ट समझ जाइए यहाँ पे, प्लस थ्री यहाँ देखिए पावर तब हटेगी तो आ जाएगा वन, और प्लस माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस वन, और ये प्लस वन हमें मिल जाएगा। यहाँ पर इसको और थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, ये वन है और ये प्लस माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लाई तो माइनस का थ्री, और थ्री वन सा थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस वन और प्लस पे वन कुछ कटने लायक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस का वन है ये माइनस का वन है कट गया, ये माइनस का थ्री है प्लस का थ्री है कट गया, हमारे पास बचा क्या वन वन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स प्लस वन होगा ये इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आई, तो चलिए थ्योरी लिख देते हैं, एक्स प्लस वन बहुपद एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। यदि होता तो ये वैल्यू जीरो आती, जीरो प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हमें लिख दिया कि एक्स प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, और इसके इंटू में है एक्स
प्लस रूट, तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा करेंगे इसको हम, गुणनखंड प्रमेय द्वारा तो एक्स प्लस वन बराबर होगा जीरो के, यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी माइनस वन। अब ये जो वैल्यू है इस बहुपद में रखेंगे, एक्स बराबर माइनस वन बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस टू में रखने पर, तो चलिए रखते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको एक्स दिखेगा वहाँ वहाँ पर आपको माइनस वन लिखना है। तो यहाँ देखिए माइनस का वन का क्यूब हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू प्लस रूट टू और एक्स की वैल्यू है माइनस वन और प्लस का रूट टू हो जाएगा। तो चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पावर है दिशा में, तो यहाँ पर माइनस का वन, अब यहाँ पर देखिए माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का वन बचेगा, और प्लस वन और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट पे है टू प्लस रूट टू और यहाँ पर है रूट टू। इसको आप थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर देखिए ये माइनस का वन है ये भी माइनस का वन है तो हो जाएगा माइनस का टू प्लस, अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, प्लस है तो कोई साइन अंदर चेंज होगा नहीं, यदि माइनस होता तो चेंज होता, टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या है टू रूट टू, दोनों को हम ऐड कर देंगे वन रूट टू और वन रूट टू हो जाएंगे टू रूट टू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x प्लस वन होगा ये इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, तो इसी बात को हम लिख देंगे x प्लस वन बहुपद x क्यूब माइनस एक्स पावर टू माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू का एक गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। पहली बात समझ में आ गई नहीं आ गई, गुणनखंड कब होता, जब यहाँ पर हमें जीरो प्राप्त होता, हमें जीरो नहीं प्राप्त हुआ तो हम कह देंगे कि एक्स प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो आई होप आपको फर्स्ट नंबर पूरा समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो में इतना रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले याद रखिए यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और यदि चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।